राजस्थान के कोटा समेत अन्य शहरों में बच्चों की मौत के मामले को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां शिशु मृत्यु दर में कमी आने का दावा कर रहे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस मामले में जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी पूरे सरकारी तंत्र पर ही सवालिया निशान खड़े कर रही है। राजस्थान के कई शहरों से बच्चों की मौत की खबर लगातार आ रही है। पिछले डेढ़ महीने में राज्य के अलग अलग शहरों में 500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी अस्पतालों के इंतजाम सुधरने की जगह सूबे में सियासी जंग मची हुई है। इस सियासी जंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। दोनों ओर से इस मामले को लेकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। अशोक गहलोत का दावा है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, इसके बावजूद राजनीतिक साजिश के तहत राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस मामले में जिम्मेदारी तय करने की बात कह रहे हैं। ये भी एक प्रकार से कुछ नेताओं का षड्यंत्र था। ये जानपुर के ऐसा माहौल बनाया गया, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे कोई नहीं मर रहे हैं। ये जो शिशु मृत्यु दर है ये कम होती जा रही है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि हम लोगों को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति इस घटना की ना हो। ये तभी हो पाएगा अगर इसी तरह चलता रहा और हमने अकाउंटेबिलिटी स्थापित नहीं करी, तो फिर आने वाले समय में ये दोबारा होगा। बच्चे की मौत की खबर आने के बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बच्चों के कुछ परिजनों के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की, लेकिन ये बात मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ कहा कि बच्चों की मौत के बाद उनके घर जाने का कोई रिवाज नहीं है। वहीं पायलट का कहना है कि बच्चों की मौत का दुख उसके घर वाले ही जानते हैं और उनका दुख बांटना चाहिए। तो मैंने कभी सुना नहीं आज तक कि शिशु मृत्यु दर के अंदर कोई शिशु मर रहा है, नहीं बच पाया हो, जन्मते ही वो 7 मास का होता है, 8 मास का होता है, 9 मास का होता है, वहाँ बैठने जाने को तुक नहीं होता है। ये जो राजनीति की गई है वो अनफॉर्चुनेट राजनीति। बच्चों की जो मौत होती है उस घर को ही पता है जिसमें न्यूबॉर्न जो बच्चा है, बच्ची शिशु होता है, उसकी मौत होती है। तो हमें दुख बांटना है और मैंने यही कहा था कि मैं आहत हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ। वह इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। जांच में बच्चों की मौत के लिए उपकरणों की खराबी और इन्फेक्शन की बात प्रमुख रूप से सामने आई है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में खरीदे गए चाइनीज उपकरणों पर बच्चों की मौत का ठीकरा फोड़ने की कोशिश में लगे हैं। ये जिसने भी गलती की है, मैंने कहा आज हमारे ACS को इसकी जांच बैठाओ आप। नारा तो हम हिंदुस्तान का दे रहे हैं और आइटम बच्चों की सुरक्षा या उनके जीवन बचाने के लिए वो चाइनीज खरीदे जा रहे हैं। बच्चों की मौत पर राज्य सरकार ही दो गुटों में बट गई है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी को भी सरकार की खिंचाई करने का अच्छा मौका मिल गया है। ये किसी सरकार का किसी व्यक्ति का मसला नहीं है। बच्चों की मौतें हुई हैं, माताओं की कोखें उजड़ी हैं, इसलिए इस पर राजनीति नहीं करके इस पर उपचार करें, उसका समाधान करें। लेकिन मुझे लगता है कि चिकित्सा मंत्री और उनकी सरकार पूरी बीमार है, वो इस मानसिकता से बाहर आए ही नहीं है। अस्पतालों में लगातार हो रही बच्चों की मौत दुखद है और इस मामले में तुरंत चिकित्सा इंतजामों को दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन इसे राज्य का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि राज्य सरकार खुद ही दो गुटों में बंटकर एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ने में व्यस्त है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।